छोटे सरकार ने फसल का अद्ध देने का वादा किया। कौन होंगे फैसला करने वाला? मालिक मैं वहां, मुख्तार मैं वहां। मैं फैसला बदल सकता वहां, वो मेरा फैसला बदल की जरूरत नहीं कर सकता। निके निके जानवर का शिकार करने वाला शिकारी की जाने जमींदारा की होता है। बड़े दिन बाद आयो। वो वाडियां शुरू हो गई सन, इसलिए पिंड तो निकलना मुश्किल हो गया। मेरिया अखा तरस गई सन। इतने दिल में कदों चैन सी? साहब, मैं गरीब जरूर हाँ, पर गैरत वालों बहुत अमीर हाँ। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करांगा कि कोई मेरी इज्जत पे डाका मारे तो उन्हें लुटने की कोशिश करे। ज्यादा मैं चाहना वा या तो साड़ी जिंदगी तो दूर चले जाओ, या मेरी इज्जत को अपनी गैरत बना लो। साबरा, आज तो मेरी गैरत है बाबा। इस तरह नहीं खान साहब, ब्याह करो तो पक्का रिश्ता बनाओ। मैनू मंजूर है। अपने खानदान का बागी बन के तेरे नाल शादी की है सारा, पर सानू ये शादी कुछ दिन लुकानी पड़ेगी, इसलिए कि मेरा बाप बड़ा सख्त असूल पसंद है।
वो ये शादी कभी तस्लीम नहीं करेगा, पर तू फिक्र ना कर, मैं मुनासिब वक्त देख के अपे उन्हें मना लाऊंगा। मैं तेरी की गल सुना, पहले तू अक्सर घरों गायब रहना से ते हुन परेशान रहना है, क्यों? कुछ परेशानियां ऐसी होती ने खान बाबा, दसो ते वध दिया ने कट दिया नहीं। ऐसी कड़ी परेशानी लाई है ने? मुबारक होवे, अल्लाह ने पुत्र दिता। मुबारक होवे साबरा, बिल्कुल तेरे तेरे। तू अकेली करी है साबरा? यादा जड़ी हमेशा जिंदा रहंदियां ने, पर तू नहीं समझेगी। मैंने गल ते दस साबरा, हूं तू दूसरे बच्चे दी मां बनन वाली है, तेरा खाम तेन अपने घर के नहीं ले जाता। वो डरते ने कि कोलो? अपने शाना वाले प्यो कोलो। क्यों? इस लई कि मैं कभी यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी जद में मिलावट होवे। कोई नीच जात की कुड़ी नूं बन के इस घर में आवे। अब्बा जी, मैं तेरी कोई गल नहीं सुनूंगा, तेन मैं रिश्ता तोड़ना पाएगा। खान बाबा, वो मेरे बच्चे की मां है। हां तो बार मां बनने वाली औरतां मां नहीं लुटेरनिया होंदिया ने अमान। ये बच्चा तेरे पैरां दी जंजीर है, ये जंजीर तेनू कैदी बना के अर्श तो फर्श ते लाएगी। तोड़ दे जंजीर, भुल जा के वो तेरा बच्चा है। पता नहीं कि वो तेरे वर्गे किसी बड़े आदमी की गलती हो गई। नहीं खान बाबा नहीं, इन आखो। क्यों ना आखो? तेरे कोल जवानी का जोश है, मेरे कोल बुढ़ापे का तजुर्बा। जोश अपने होश गवा बैठा है, पर तजुर्बा अपनी जद ते लीक नहीं लगन देगा। याद रख, जे तू ना तो रिश्ता तोड़ेगा, ये जमीन जायदाद रुपया पैसा ते मैं सब तेरा है। जे तू ना तो रिश्ता नहीं तोड़ेगा ते मैं तेन अपने दिल चो हमेशा नहीं कर दियांगा, आप कर दियांगा, फकीर बना दियांगा। तेरा एक लफ्ज तेन हमेशा नहीं खुशियां दे सकता है अमान, और वो लफ्ज है तलाक। बस गरीब कुड़ी नहीं। तुसी आओ बैठो ना। तेरे नाल दो टोक गल करन आया कुड़िए, और रिश्ता तोड़न आया जेड़ा तू साडे पुत्र नाल चोरी जोड़िया सी। ऐ नोट तेरे ते तेरे पुत्र दी चंगी जिंदगी गुजारन वास्ते बहुत ने, इन्हां नूं फड़ लै ते मेरे पुत्र दी जिंदगी चो निकल जा। मैं साडे पुत्र दी जिंदगी च कोई कीमत लिते बगैर आई सां, ते हुण कीमत लैके किस तरह निकल जावां? मैं हूं ताड़ी इज्जत हाँ, ताड़े एक पोतरे की नहीं उस दूसरे बच्चे की भी मां हाँ, जड़ा इस दुनिया में आने वाला। मैं कहानियां बहुत सुनिया ने कुड़िए, तेरी जिया कुड़िया वड़े घरां दे मुंडे। अबे डफी मुंह चो ना कटना, मैं अपनी धी की परवरिश इल्म दे गैवारे से रह के कीती है, ना कदी हराम खादा, ना कदी अपनी औलाद नूं खवाया, ना कदी किसे दी इज्जत नाल खेड़िया वा, ते ना ही किसे नूं अपनी इज्जत नाल खेड़न दित्ता है। मेरा कसूर सिर्फ इन्ना है कि तुहाडे पुत्तर दे हथ मेरी इज्जत वल वधण लगे सन, ते मैं ब्याह दी जंजीर पा दित्ती। असीं ओ जंजीर तोड़न आया। मेरे साथ टूट सकते ने पर जंजीर नहीं टूट सकती। मेरे जिंदिया जी कोई मेरी धी दे मथे ते बर्बादी दी स्याही नहीं ला सकता। साडे सामने गर्दन चुक के गल करना है। क्यों ना करा, मेरी धी दी जिंदगी दा सवाल है। साडी उच्ची आन
बेइज्जत का सवाल है। मेरी धी की इज्जत किसी दौलतमंद के जागीरदार नालों घट नहीं। बकवास बंद कर दस्तर। जवान तेनू कंजरा वांगू वड्डे लोकां दी बाहां सुट के गैरतमंद बनना है। कुछ नहीं मांगते जुते जिनी थां दे दो। असी गुलाम बन के सारी जिंदगी ताडे पैरां च गुजार रहे हैं। ए नोट फड़ ले साबरा, मेरे पैरां विच रहन दी बजाए किसी चंगी जी जगह ते जाके जिंदगी गुजार। बच्चिया कदी ना दसी कि मैं इन्हों का पियूसा। क्यों ना दसा? ये तुम्हारा खून नहीं? नहीं, ये मेरी गलती है जिन्हों मैं मुड़ के भी नहीं वेखना चाहता। मैं जा रहा ते तेनू आजाद करके तलाक देना। तलाक? नहीं, लफ्ज मुंह ना कड़ो। ये मैं लफ्ज मुंह ना कड़िया मेरे को मेरा घर बार पियू की सारी जायदाद खो लेती जाएगी। मैं तेनू तो छड़ सकना पर इन्हें नहीं छड़ सकता। जे ताडा ये कोई फैसला है ते फिर मैनु मौत दे दियो पर तलाक ना दियो। जे मैनु मौत नहीं दे सकते फिर ऐना हक जरूर दियो ते मैं ताडे कोलो दूर रवां पर ताडी बन के रवां। मैं ताडे के हाथ जोड़नी ते ताडे नाल वादा करनी आ। मैं बच्चे लेके ताडे सामने कदी नहीं आवांगी। मैं ताडे कोलो इन्ने दूर चल जावांगी। तेरे लिए कोई मुनासिब है साबरा? आओ पाजी। साबरा पुत्र एक ही कह देता ही अपना हक अपने हथी किसे होर दी चो। जदों दी बैठी है रोई जा रही है। किन्ने जुल्म कीता है तेरे नाल? मैं दस दे सही तेरे दिल का पार हौला हो जाएगा। जोड़ा पार मैं दिल ते लैके आई हाँ वो ते मर के भी नहीं लेना पैना। मैं वो बदनसीब हाँ जिदे दुश्मन कोई गैर नहीं। इस बच्चे का प्यो ते दादा ने मैं अपना दुख इस डैरी के सिवा किसी नू नहीं सुनाया। टुटे भजे लफ्जों जेड़ी कहानी इस डायरी च लिखी है वो मेरे दुखों की कहानी है। जे पढ़ सकनी है तो पढ़ ले। आजाद होके
इस दुनिया तो बड़ी दूर तुर गई है। दुख तो इस गल का है जीनत, यह बच्चा अपनी मोई मां की शक्ल ही नहीं देख सकिया क्योंकि कई लाशा अपनी शनाख्त ही गुआ बैठिया सन। समझ नहीं आई उन्हें लाशा जो मां की लाश केड़ी सी, इदा की बनेगा। मैं बड़ा की थी मां, आज तो है मेरा पुत्र, है मेरा हीरा पुत्र। ले यार कमालिया, मेरे पुत्र हीरे का ख्याल रखी, गड्डी आने वाली है, मैं हुने फेरा ला के। यार तू पढ़ा क्यों नहीं, पढ़ा ला तो वड्डा आदमी बना। ओ भाईया कोशिश तो मेरी भी हुई है, अगो जो रब नू मंजूर। ले पुत्र हीरे, तू चाचा को बैठ तो मैं हुने आया। शाबाश। लो पुतीरा जी स्कूल जाया करो, पता प्यो मंगलो कुली दे कुली ना रह जाना। डंबल पाल लिया एडा भारा समान, मैं फिर एक फेरा बार छा बाकी दा आके लै जाऊंगा। और यार मैं समान चोरी कराना, एक फेरे ले जाने ते ना सही। हाँ जी फिर अपने बस तो बाहर जी, इको फेरे ही ते हीरा ही खड़ सकता है। की गल है मेरा कदा जिक्र हो रहा है? आ भाई हीरा भाई जान, बौरी कहते ने इको फेरे ही सारा समान बाहर छड़िया, नहीं तो मेरा समान चोरी हो जाएगा। और ठीक है तो कहते पे ने। लो बाऊ जी घबराने वाली कोई गल नहीं है, मैं तेरा फेरा बाहर सुटा वा, उस बाद तुहाडा सारा समान इको फेरी जी लै जावांगा। लो जी हुण कम बन गया जी। मां बिस्मिल्लाह। ऐ की मां फिर काम कर रही? डॉक्टर ने मना भी किया सी कि काम नहीं करना। तू सारा दिन स्टेशन ते काम करना, जिन्ने पैसे कमाने उन्हां सारियां दी मिली दवाइयां लै आना, आप दुखी सुखी खा के सौ रहना, तो मैं तेरी रोटी भी नहीं पका सकती। एक गल मनेगा मेरी? कहो मां। पहले मेरी कसम खा। ओहो कसम खाने वाली केड़ी गल है, तेरा हुक्म ही मेरे लिए काफी। ठीक है ना, तू अपने यारों को कहना कि तू उन्होंने मेले ते नहीं जाना, तो फिर मेरा यह हुक्म है कि तू उन्होंने मेले ते चला जा। ले तू आई कह। हां मेरी प्यारी मां, तेरे कदमों च छा, तेरे पैर थले जन्नत, मेरी सोनी मां। तेनों मैं क्या जो सी कि मेरी मां बीमार है तो मैं मेले पे तुहाडे नाल नहीं जा सकूंगा, फिर आके शिकायत लाती हो मेरी मां के। यार मैं कदों शिकायत लाई है? रासा फड़ के आप जानवर नहीं बन जाएगा चौधरानी है। मेरे हाथ तेरे गरूर को बहुत ताकतवर ने चौधरानी है, तेरा जानवर मर जाएगा पर मेरे हाथ जो रासा नहीं छुटन गया। तू मेनू जानदा नहीं? जान पछाण ले ते तेरी राह डकी है चौधरानी है, एक गल मेरी याद रखी, जे तेरी पछाण गरूर है ते मेरी पछाण खुददारी है। जड़ा भी गरूर नाल सिर चुके मेरे सामने लंघे ओनू मैं कदे नहीं लंघन दिता, और तू जा सकनी। Thank you.
ऐलान कर रखा कौन सा? आज तक इस घोड़े की कंड के चुदरानी के सिवा कोई सवारी नहीं कर सकिया। जेड़ा जवान अज इस घोड़े की कंड के सवारी कर लेगा ओनू घोड़ा इनाम भी दिता जाएगा। चौधरी जी इन अपने सीने से सजाया जाता है। ओ मैं क्या इनाम घोड़ा हारन का एडा दुख ना कर जबौती कर लेना ते आ फिर साडे नाल पगड़ा पा लै जे जीत जाएगी ना ते जीतिया इनाम असीं तैनूं वापस कर देंगे। ए जा साडी उहदे नाल पंगा पाएगा ते हार जाएगा। हार जिद्दां फैसला ते मैं कहां मैदान ही जिउंदा ते फिर ला ले मैदान जे जुत्तियां दा हार तेरे गल च पा के ना भेजा ते मेरा ना नूरी ना आखी। Thank you.
कूच किते तेरी शक्ल निकते पछाननिए निका दाई जरूर बलिए निका दाई जरूर बलिए नीत दिन जिदा तेरिया मैं तोड़ांगा जरूर बलिए ओ मैं तोड़ांगा जरूर बलिए सोनिए नी
किन्ने कदम रानी एते जान दा खुदा सोनिए ओ एते जान दा खुदा सोनिए निका दाई गुरु बलिए निका दाई गुरु बलिए एक दिन जिदा तेरिया मैं तोड़ांगा जरूर बलिए ओ मैं तोड़ांगा जरूर बलिए La 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 la.
संभालिया? जी सरकार। सब कागजात रख लेने? जी। देख लें अदालत जी कोई कागज काट ना जाए। सारे कागजात मौजूद न खान जी। बाबा जानी ये तारीफ भी मैं ही भुगता ना। आज तक तू कोई काम ठीक किया है? पांच वर्षा तो ही और मैं चलिया उदों तक वापस नहीं आवांगा जब तक मैं उन्हें बदमाशा का बेदखली का हुक्म नहीं ले लेता। बाबा जान बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। वो मेरा पोतरा जान कितने क्यों बेटे जी ना? बाबा जान तुसी आप ही जो शहर भेजे सी। ओ ठीक है ठीक है। कोई एदे कोलों ते ओ बहुत चला कम से कम दादे का हाथ तो बढ़ाता है ना। खानम कितने? भाई शायद चले हैं उसके वास्ते कुछ शायद लियानी होंगी नहीं पहले लड़ेगी मेरे नाल। बाबा जान वो उच्चे पिंड अपनी सहेली मिलन गई है कह रही सी के दो चार दिन वास्ते नाल ही लेके आवांगी। भाई वो तो ठीक है पर मैं मिल के क्यों नहीं गई और मैं वो नाल लड़ा था। चलो कमा लिया जान कितने गया है कहता सी शायद ट्रैक्टर लैन चलिया। ट्रैक्टर लैन? ट्रैक्टर तो इतने पहुंच भी गए रकम भी मैं ही सारी है एड्डी वड्डी रकम लैके कितने गुम हो गया।
ਹੋਏ ਕਹਨੇ ਆ ਕੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਤੱਕੀਏ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਤੱਕੀਦਾ ਅਗਲੇ ਟੀਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ जिन्ना माल ही मेरे हवाले करते माल से बड़ा परेशान वाले नहीं करांगा जी ओए फिर किस तरह देवेगा ओए नंगे नीलम बाई वांगू कोई नखराब हाक घुंगरू छणका फिर भावे माल से की जान की जान भी ले ले ओए हुण तेरी जान भी लवांगे ते माल भी ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੰਬੜੇ ਨੇ पता नहीं यार माल खोना चाहते सन पर तेरी बड़ी मेहरबानी यार तू मेरी मदद की थी बड़ा जिदार ते ताकतवर है ओ यार लोया गुत्ते पानी बन बन के ते नवियां सांचियां विच टाल टाल के मैं आप भी लोया बन गया मां ने ते मेरा नाम मुस्तफा रखिया सी पर दोस्तों ने मेरा नाम फौलाद रख दिता है ओ सामने मेरी वर्कशॉप है आ तेन चाह पानी पिया आ चल आ जा ठीक है पता मैं तेरा रख लिया जान खान पर मैं तेरे को लावांगा हो तो जदो मेरी मां नु पता लग गया कि मैं इत्थे वा दरअसल मैं अपनी मां नु मिलना नहीं चाहता तेरा
पालन वाले मर गए। हैरान होके ना देख, मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ ते रेल की टक्कर से मर गई सी। उन्हें मर ही जाना चाहिए सी, तेरे पियो ते दादे ने उन्हें सिद्धा रेल ने बाकी छड़िया भी की सी। मैं तेरी गल समझे नहीं मां। तेरी मां दे हत्था दी लिखी हुई डायरी है, इदा एक एक लफ्ज तेनू तेरी मां दे होण वाले सुलमा दी कहानी सुनाएगा। तेनू पढ़े जरूर, तेरे प्यो ने तेरी मां नू अपनी बीवी मनन तो इनकार कर दिता सी। तू उस सालम दादे दा पुत्र है जिन्हें तेरी मां नू काल समझा, ते उस कोठरी विचों भी कर दिता जेड़ी पिंडों वासी। ए डैडी, तेनू बड़िया कहानियां सुनाएगी पुत्र वे, इस डैडी दे कुछ वर्के हली खाली भी ने। तेनू कसम है इन्हां वर्गिया नू इंतकाम दी स्याही नाल रंगी जरूर, उच्चा हो के उन्होंने पछी जरूर। उन्होंने तेरी मसलूम मां ते सुनम क्यों किते, क्यों किते सुनम। उन्होंने तेरी मां नु धक्के मार मार के धक्के मार क्यों कटिया, क्यों मां मां। तेन कसम है इन्हां वर्गियां नु इंतकाम दी स्याही नाल रंगी जरूर, उन्हां तो उच्चा होके उन्हां नू पछी जरूर। उन्हां ने तेरी मसलूम मां ते सुनम क्यों किते। मैं सिर्फ पुछांगा ही नहीं, इस दौलत की खातर मेरे प्यो दादे ने मेरी मां दे सुख चैन खोले सन, दौलत भी खोलांगा। जिस शानो शौकत ते गरीबी का ताग लगन के डर तो मेरी मां नू धक्के मिले सन, मैं ओ शानो शौकत भी खोलांगा। मां मां, जिस वड्डे घर च तेनू इना पत्थर दे लोकां ने पहने सी रखन दिता, मैं उना सारियां नू उस घर दे बाहर खिलार दियांगा, बाहर खिलार दियांगा मां। शान खान, जे मैं तेरी झूठी शानो शौकत से मिट्टी च ना मेली जिथे मेरी मां सुती हुई है, ते मैनू हीरा ना आखी। चौई साहब, खान शान की हवेली वाल किला आ जाता है। की पुछता है? खान शान की हवेली का पता पुछता है पहलवान जी। कब्रस्तान का राह दस दे, आठों सौ से बैठ के इंतजार करे, असी थोड़े दिन तक ओनू इतने भेजने वाले हैं। अखा पाड़ पाड़ के की पे वेना है, जिस तरह लख ने ओदी जमीन खोई सी, उस तरह एक दिन ओदी जिंदी नहीं, ओदियां सारियां जमीना हवेलियां ते दौलत ही खो लेनी हूं। इसलिए कि उन्हें अपनी जुल्मां दी कमाई चो
लाखे नू टैक्स देने तो इनकार किया सी। उहदा इनकार मैं उहदी जिंदगी दा पछतावा बना दियांगा। चोई साहब की हो गया, मैं तो तुहाडे कोल हवेली का पता पुछा तो तुसीं लड़न नहीं पैंदे पए हो। भई नहीं दसदे तो ना दसो, मैं आप लब लांगा। रब राखा। जिदी वजह नाल मेरे प्यो ने मेरी गरीब मां नूं ठुकराया सी। फिकर फिकर की प्या देखने, अब खा नीमिया कर ते बाहर चला जा। फिर इंसान वकर अपना ना पता दस के इजाजत लेके अंदर वापस आ। कम से कम इस घर से मैं पूछ के नहीं आना चाहिए। क्यों? ये तेरे प्यू का घर है। तुसी अपने वालों मैं गाल कढ़ी है, पर एक गाल मैं फुल बन के लगी है। तो जरूर कुछ पागल आदमी है। कोई नहीं आएगा इतने, इसलिए कि उन्होंने मेरा राह डकन की कोशिश की थी, मैं उन्होंने मिठी नींद सुवा के आया वहां। कम से कम दो घंटे तक कोई नहीं आ सकता। तेरी इतनी चुरत मई एक गोली तेरी हिक दे पार हो सकती थी, पर ज्यादती बेगम दी सी, इसलिए हवा विच फायर करके तेरा हाथ बचिया। कौन है तू? एक जिंदे प्यो दा यतीम पुत्र खान साहब। इत्थे की लैन आया? सब कुछ दसांगा खान साहब। तुसी सिर्फ इना दसो कि उस जमीन दा मेरे नाल सौदा करोगे जिदे ते बदमाशा दा कब्जा है? कब्जा छुड़ा लेंगा, ये मेरा काम है। तुसी मेरे नाल मुल पाओ। साड़ी उन्होंने बदमाशा नाल 5 साल तो कशबकश चल रही है, मुकदमे किए, ताकत अजमाई पर सब दे सूत। मैं उन्होंने बदमाशा को खुद इंतकाम लेना चाहना। तू वो सोना जमीन अगर कौड़ियां दे मुल भी खरीदेगा तो मैं बेच देंगा, पर एक शर्त है, वो जमीन ते बदमाश ना वसन। नहीं वसन गए खान साहब, तुम मुल पाओ। ओ जमीन दा मुल 10 लाख है, तू 2 लाख देंगा। मंजूर है, बयाना कट। मेरी मुछदा वाल मेरा बयाना है खास साहब। इनू हैरान होके ना वेखो, ए मर्द दी मुछदा वाल है। ठीक 8 दिन दे बाद तुहाडी रकम अदा करके ए वाल मैं वापस ले जाऊंगा। 8 दिन के अंदर अंदर अगर रकम ना आई तो फिर? और एक वाल लाया खान साहब, फिर सारिया मुछा ला देंगा। रब रख। बड़ा अजीब आदमी सी। देखो जे बंदे जिंदगी विच बहुत कुछ कर। मैं हाथ चुकन से मजबूर ना करे, जे मैं हाथ चुक लिया तेरी जिंदगी खीर हो जाएगी। तो मैं ते आप अपनी जान तली तो रखी फिरना वा, नाले बड़ी देर हो गई यार तेरे चौधरी साहब चौधरी साहब कहने। मेरी गल सुन, आज तो बाद जमीन का मालिक मैं आई, सीधी तरह कब्जा छड़ना ही, कि तू इस तरीके सुनावा
कब्जा तो असि नहीं छड़ना। हाँ तेरे जुस्से चो तेरी रूह रूह छुड़ा देंगे। फिर रहे हो लो जी हूं तुम दसो चौधरी साहब अगले जहान जान का प्रोग्राम है या नहर फिलहाल तो नहर है जी। शाबाश लो फिर नहर जान की तकलीफ तुम आपे ही करो की करो तकलीफ करो शाबाश लो फिर परतो हाँ जरा इस पास एक दो तीन अज मैं तेरे ते होने वाले जुल्म दे हिसाब दा पहला सफा खोल ले। वाह वाह तमाल जीदार बंदा जो क्या कर वो है पर उन पैसे कितों ले आए जमीना ते सानू वापस मिल जाएंगी। काश साडा जान पुत्र भी एहो जिहा जीदार होता। मैं रास्ता नहीं लेना तितली तेरा दिल लेना। तेनू मैं पुतला दे सकनी है जो कलिया वेख ना राह डक लेना मेरे वीर नू पता लग गया ना तो उस खुरपी ना तेनू पाड़ देगा जिदे नाल घोड़िया दे खुर पाड़दा है। हाय तितली जे तेरे भी पर ना खोए ना इंज लगेगा जिवें जिंदगी च कुछ नहीं कीता। बड़ा मुंह फुला के खलोती है किसी ने कुछ आखिया? आहो किन्ने कुछ आखिया कसम तेरी यस थोड़े दो दा मगज ना फेरिया ते वीर ना की अपना। मेनू ते किसी ने कुछ नहीं आखिया तो हर गल च थोड़ा फाड़ ली ना मैं ते असली मुंह फुलाया
तू पिछले जुमे क्या सी मैं तेरी कच दियां चूड़ियां लेके आवांगा ते ओ तू लेके नहीं आया कच दियां चूड़ियां भी आ जाणगियां हाली ते सोने दी चूड़ियां आईयां ने हाय मैं मर गए लाला मैं पा लवां हाली नहीं ते तो वोटी बनेगी ना ओदो पहन ले जान जी अब्बा जी ट्रैक्टर ले आए हैं नहीं अब्बा जी उन्होंने कहा डिलीवरी एक महीने के बाद मिलेगी बकवास बंद कर ट्रैक्टर ते इत्थे पहुंच गए थे रकम कितने रकम गुआच गई अब्बा जी गुआच गई है 2 लाख की रकम गुआच गई गुआचने वाली चीज सी अब्बा जी गुआच गई है इहदे च हैरान होने वाली कड़ी गल है अब्बा जी मैनू तो डर है कि माल गुआंदा गुआंदा आप ना गुआच जाए दबा हो जाए मेरी नजर तो मैं आप ताड़िया नजर सामने नहीं देना चाहता अब्बा जी ये रुपया पैसा शान चौकत ताड़ी नहीं मेरे दादा जी की है मैं लोना मतलब खुली छुट्टी है मैं रुपया पैसा जितना चाहवा जिन्ना चाहवा खर्च कर सकना ये आइंदा मेहरबानी करके मेरे हाथ में चुकना नहीं तो पछताओगे बन गए अज के वाक्य तो सबक हासिल करो जवान औलाद से हथ चुकन का नतीजा यह होंगे कि सीना तान के सामने खलो जाती है मैं अपने नाल बेअदबी करने वाली औलाद का गला कुट दियांगा जानो मार दियांगा पर खानम कितने ने हली तक आई क्यों अपनी सहेली नाल अज वापस आ रही है नूरीए मैं ऐसे बड़े दिन हो गए ने आई हुड़ना नु जान दे।
मोती तू इत्थे किते? जिथे मोती दा मालक उत्थे ही मोती। तू? मैं मोती पिछे आया था। मैं समझा खोरे किथे दस गया, इतने आके पता लगे कि अपनी पुरानी मालकन को पहुंच गया। मैं क्या और की हाल है तुहाडा? मैनू इत्थे वेख के हैराना, वो मैं दस इत्थे नवा नवा आया वा। पुराना होने तो पहले मैं तेनों इस बदतमीजी का ऐसा मता चखावांगी कि फिर इस पासे मुंह नहीं करूंगा। इत्थे ते मेरा सब कुछ है, इत्थे रह के मैं बड़े ही काम करने ने, हाली ते सिर्फ इस जमीन ते कब्जा किया है। नवा बदमाश लगने। आहो खानू, मैनू भी कुछ इंज ही लगता है। मैं जमीन बदमाशी नाल नहीं, पैसे नाल खरीदी है। मैं फिर भी यह जमीन तेरे को नहीं रहने देंगी। तुसी कौन? मैं खान शान की पोतरी, अमान खान की धी, जान खान की भैन। भैन? आहो, जान खान की भैन। वेखी नूरी, मेरे भरा का ना सुन दे, इहदी जान निकल गई। चल मेरा छड़, चल टांगा टोर। जीवन जोगिए, तेनू की पता होवे कि तू जान खान की भैन नहीं, मेरी भी भैन है। गौर नाल नहीं वेख्या, तेरी आकर बिल्कुल मेरे वर्गी है। आ गई है खानम। भाईजान, मैं इधर आ। हैं? ताड़ी नजर तो थोड़ी कमजोर हो गई। जदों भी मैं तेरी थैली नूं देखना वा, मेरी अखां के तारे चमकन लग पैंदे। जदों मैं तुहानू वेखनी आ, मेरी अखां च नफरत की अग बलन लग पैंदी। चल आ जा। छुड़ा लिता है, पर हुण ओह कब्जा उसे वेले कर सकेगा जदों साडी कीमत चुका देगा। कीमत चुका नहीं सकेगा। असीं तुहाडा कमाल खरीदांगे, हालांकि साडा पहला एग्रीमेंट खान शान नाल है। असीं उहदे कोल बड़ा तंग आए, फसल चंगी नहीं दिंदा। इंशाल्लाह ताला मेरी फसल बड़ी चंगी होगी, ते कीमत भी बड़ी घट होगी। की भाव होगा? भाव तुहाडी मर्जी दा, ते एडवांस जो मैं चाहूंगा। ओके। शान खान तुहानू ओह कपाह देदा जिहदे च नमी होंदी है, ते मैं तुहानू खुश कपाह देंगा, वह भी घट कीमत ते। पर तुसीं मेरे नाल मुआहदा ते करके वेखो भाव की होगा। भाव जो तुसीं लाओगे, ते एडवांस जो मैं चाहूंगा। मैनू मंजूर है। अस्सलामुअलैकुम वड्डियो। आ भई आ। जमीन की कीमत देना आया वा खास साहब। अच्छा, तेरी ते जेब खाली सी, ये मैंने सारे नोट कितों ले आए? इन्हां नोटां दे बदले मैं अपने खून पसीने की कमाई देन का मुआहदा करके आया वा खान साहब। किसी गरीब दियां सदरां दा खून नहीं किया। तू गल्लां बड़िया अजीब अजीब कर। मेरे नाल भी ते बड़िया अजीब अजीब गल्लां होईयां ने खान साहब। तो ये रकम पूरी है? बिल्कुल पूरी है। ए तुसीं आप गिण लो, इस रजिस्ट्री ते बिस्मिल्लाह करके दस्तखत कर। जिहड़ा बंदा वादे का पक्का होवे उहदी हर गल ते यकीन कर लेना चाहिए। खान साहब, उदों तीकर तुसी इन्हां नोटां दे हकदार नहीं हो सकते जब तक तुसी मेरी मुछदा वाल मैनूं वापस नहीं दे देंदे। मुछदा वाल? अच्छा, ओ ते मैं उदों ही सुट दित्ता सी। की करदा रह के? इहदा मतलब है वे
कि किसी की इज्जत हाथ च लैके सुट देना ताड़ी पुरानी आदत लगती है खान साहब। मैं ते मजाक समझिया सा। मजाक? गरीब की इज्जत नु ताड़े वर्गे लोग मजाक ही समझते हैं, पर खान साहब आज तानु इस मजाक का मुल देना पवेगा। की मतलब? मतलब है वे खान साहब कि मेरी मुश्ता वाल मैं वापस कर दियो या अपनी पग मेरे सिर ते रख। ये मेरी इज्जत का निशान है। जो मेरी इज्जत का निशान सी खान साहब सौदा बराबर हो। ये नहीं हो सकता। जे ये नहीं हो सकता खान साहब तो फिर सौदे की शर्त के मुताबिक अपनिया मुछा तेरे वाले कर दो। ये भी नहीं हो सकता। इन्हों नोटा विचों जिनी रकम अपनी वाल की कीमत समझना है चुक ले। इज्जत की कीमत इज्जत होती है खान साहब, नोट नहीं। तुसी फिक्र ना करो, तुहाडी ये इज्जत हमेशा मेरे सिर ते कायम रहेगी। मैं इनू टिकन नहीं दियांगा। कौन है भाई तू? मेरे प्यो की यह पग तेरे सिर से क्यों? प्यो की पग वे पुत्रों के सिरों से ही होती है। मैं भी अपना वड़ा भरा ही समझ। ये मेरा भरा किधरों आ गया? तू मेरे वाल इस तरह क्यों देख रहे? तुसी खान शान हो ना? आहो, तू कौन है? मैं तुहाडे मथे ते लिखिया सब कुछ पढ़ लिया खान साहब, पर तुसी मेरी अखां च लिखिया कुछ भी नहीं पढ़ सके। तमीज नाल गल कर, तू नहीं जानता कि मैं कौन हाँ? मैं बड़ी चंगी तरह जानना वा कि तुसी कौन हो खान साहब, पर अज देखिया तुहानू मैं पहली बार, ते नाले मैनू पछाणन विच तुहानू बड़ा वक्त लगेगा। मेरी छोटी जी पछाण सिर्फ इन्नी है कि मेरे सिर ते पग तुहाडे वड्डे पुत्र दी है, ते पैरां थले जमीन ओ वे जिहदे ते कल तक बदमाशा दा कब्जा सी, ते अज इस जमीन दा मालक मैं। इहदा सबूत है कागजात ने खान साहब। बाकी तुहानू अपनी फेर पछाण कराउण वास्ते फिर कदी आवांगा। रब रख। कभी नहीं हो सकता। अमान उस जमीन नहीं बेच सकता। उस जमीन बेरी है, मैं उन्हें बेचांगा। जिस तरह उन्हें बदमाशा से बेदखली के कागजात लेके आया हूं, इस बदमाश ने भी धक्के देके पार कर दिया। आ, और तेरे पुत्र नु खुदा दे सिवा इस जमीन तो कोई नहीं कर सकता। जमीन और मेरे लिए मोट जावे जिद खिलाफ के मैं तेरे इंतकाम की जंग लड़नी है। बाकी वर्गे मैं इंतकाम की जंग लिखने ने मां। बाबा जी भूल के जे मैं नहर वाला रकबा तेरे ना करा दिता सी तो तू मेरी भुल की एडी वड्डी सजा क्यों बन गया? मन तू कि जाने तुम लोगों मुंडे को रकबा बेचे? मैं तो सोचा सी बाबा जानी तेरे बाबा जानी भी ऐसी दी तरसी। मैं सोचा सी के की सोचा सी? बाबा जानी उस जमीन ते पांच वरिया तो बदमाशा का कब्जा सी, साढ़े लिए ना होने के बराबर सी। उदे बदले कुछ पैसे आ गए ने, ये चंगा नहीं? इना एक मुठ नोटा के बदले जरा सा इज्जत का जनाजा निकलिया है वह भी बहुत चंगा है। याद रख जे तू हिम्मत हार के उस जमीन बेच दी है तो मैं हिम्मत नहीं हारी। मैं उस जमीन 40-50 हजार रुपए मुनाफा देके वापस लेके छोड़ा।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੀ ਰੇ ਵਾਹ ਲੈ ਕੁ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਮੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਉਸ 2 ਟਕੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਹ ਜੁਰਤ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿਆਨ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗਾ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਹੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੋੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਣਨਾ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰਾਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਲੀ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਫਿਰਨਾ ਵਾਂ ਜੇ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੋ ਲਓ ਨਹੀਂ ਅਮਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਆ ਚਲੀਏ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਮਰੇਗਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰੇਗਾ ਆ ਚੱਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਮਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਕਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇੜੀਆਂ ਨਾ ਬਣੋ ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਹੈ ਫੁਲਾਦ ਹੈ ਫੁਲਾਦ ਫੁਲਾਦ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੁਲਾਦ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਫੁਲਾਦ ਫੁਲਾਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਨਦੜੇ ਹੋਈ ਆਹੋ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੇ ਖਾਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦੋ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਦੋ ਘੁੱਟਕੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀ ਵੀਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤਿਤਲੀ ਤਿਤਲੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਹੁਣ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵੀਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਲਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਵਾਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਨਾ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਖਾਨ ਜਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਨੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹਥਾਲੋ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਸੀਨੇ ਪਸੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੰਦਰ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਲੋਹਾਰ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਆਹ
औलाद नू फौलाद ही तोड़ सकता है खान साहब। तू किधरे फौलाद ते नहीं? आओ आओ, मैं ही फौलाद हाँ। जान दा यार, सलाम लेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम लेकुम। वालेकुम सलाम। जान तेरी सच्ची तारीफ करता है। बड़े वेले से राय। खोलो भी संदूक, खोलो। मां लाई हुई जे पक्की है। वो मैनू लभदे लभदे शहर पहुंची, मैं तेरे कोल पहुंच गया। मैनू ते दस किस कम लाने ही। वो कम तेरे मतलब दा, तू हाली आया खा पी जान बना। हम ते बारे ही फेर गल्लां होंदियां रहण गियां। जान पुत्र, औलाद लई खूह वाला डेरा खोल दे। ठीक है बाबा जानी, आप औलाद चली। ये बंदा है जेड़ा सानू साडी जमीन दा कब्जा दवा सकदा है। ठीक कह रहे हो बाबा जानी, ये साडे काम आ सकता है। ओए ओदा कद, ओदा जेड़ा है ना, ओदा कद पावे 10 फुट दा भी होवे, ते औलाद दे हाथ दी एक सट ओदे 3-3 इंच दे टोटे कर देवे। तू सिर्फ इन्ना दस कि ओ किथे रहंदा है। बस एक बारी मैनू ओदा चेहरा कर। मेरी जुत्ती। तुसी गरीब लोग भी किन्ने दोगले होंदे हो। की मतलब? मतलब है एक पासे तू मैनू अपने प्यार दे जाल च फसाना चाहना ते दूजे पासे अपने दिल दी आवाज नू लुकाना चाहना। गल ए वे चौधराणी जी, कि मैनू ते तुसी बिल्कुल चंगे नहीं लगते, ते दूजी गल ए वे कि मेरे कोल इना वेला ही नहीं हैगा कि मैं तुहाडे जिहे जानवर नू जाल च फसाना फिरा। बाकी कोई ऐसी गल भी नहीं, जदों चाहवांगा फड़ के खींच कर लवांगा। तेरी इन्नी जुरत? लगता चपेड़ हौली पई है। आहो फुल कलों भी हौली। तू चपेड़ मार के मैनू चितलिया ही रहा। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहना सी मैं उदी बनागी जेड़ा मेरे ते हुक्मरानी करेगा। आज तो तू मेरा हुक्मरान, ते नूरी तेरी गुलामे ही रिया। ओए हीरिया, ऐते उल्टा चक्कर चल गई। लड़ गया आज कुछ मैं।
तमाशा देखन डुग डुगी कौन बजाएगा नचेगा कौन डुग डुगी तेरी किस्मत बजाएगी नचेगी तेरी मौत ते नचाएगा कौन अपने खब्बे पासे वेख नचान वाला भी आ गया है तू कौन है जवाना औलाद इन्हां नाल तेरा की रिश्ता ए फलाद मेरा यार ही अच्छा अच्छा ते तू यार मार है बंदूकड़ियां तुसी अपने हाथां च फड़ियां ने ते कुर्बानी दा बकरा इस बेचारे यतीम नूं बणा के लिआए हो ओए असी खाली बंदूकां कदी नहीं फड़ियां एला फड़ फिर नहीं नहीं जे मेरी गल मन्ने ते इहनां दी आ के छाल तू ना मार जिधरों आया उधर ही वापस लौट जा तू वापस नहीं जा सकता मैं तैनूं तेरी रकम नाल मुनाफा भी दियांगा छाल ना मार वापस मुड़ जा मैनू अग कोलो डरा मैनू मैं ते आई फौलाद जिन्हू कई साल अग विच सड़दिया हो गए ने पर पिघलिया ही नहीं उंजदा उंजी आ अग कोलो ना डरा तू मेरे कोलो डर रात पैते नस जा कोई देखेगा भी नहीं ना मैं किसे नू दसांगा क्यों बच्ची नहीं गल
चलो कोई नहीं, अज रात ना सही कल रात सही, कल ना सही परसों रात चला जाए। ये जाना ही नहीं, फिर अपने बचाव की तैयारियां मुकम्मल कर। मैं तीजे दिन फिर इतने आवांगा। जे मेरिया अखां ने तैनू इत्थे ही वेख्या ते मेरे हथ तेरी मौत। छोटी जी जात छोटे जे बंदे हैं। एक कमली जी ने तुहानू वीर आके ताड़ी शान च गुस्ताखी की। यार इन्हें मैनू वीर आके मेरी जिंदगी दी बहुत बड़ी कमी पूरी कर दिती है, मेरी शान वधाई। नाले मैं कोई खान मान नहीं, तो मैं भी तेरे वर्गा मजदूर हाँ। तो आर यकीन नहीं कितनी वधा आप है ना बच्ची थे। आजा देख मेरे हथ लुहारा वाली सट मार देने के नहीं। गल ए वे कि मैं तीन दिन तक वेला ते बदन नू ए कम करन दी आदत। मैं तेरा इत्थे कम करदा रवांगा, बदन चो पसीना निकलदा रवेगा ते भैण भरा दा प्यार भी वधदा रवेगा। क्यों तितली? बिल्कुल ठीक है वीरा, मैं हुण तुहाडे लई रोटी लेके आनी आ। तीन दिन बाद तू केड़े काम लगना है? जिस तरह लोया तोड़िया, इसे तरह एक गासब दा खाना दी जमीन ते कीता होया कब्जा तोड़ना है। जिस तरह डांग तोड़ी है ना, इस तरह उन्होंने दिया गाय दिया बाहों भी तोड़ देगा। मैं क्या? मैनू समझ नहीं आती, आखिर तुहाडी आपस च की दुश्मनी है? तेनू दस दिता ना ते तू भी हाथ बंदूक फड़ लेंगी। मेरी खाली दुश्मनी नहीं, और भी बड़िया रिश्तेदारियां ने। वेला तेन सारे रिश्ते की पछाण भी करा देंगा, फिर तेन स्वाद आएगा प्यार करन दा। नूरी, नहीं तू इत्थे नहीं, मैं ते तेनू सलाम खानम जी। फिर तू फिर मेरी सहेली का रात नहीं देखिया? कमाल है, सहेली होवे तुहाडी ते तुहाडा वीर किस तरह जुरत कर सकदा है कि इन्हां दा राह डके। अच्छा अच्छा ठीक है, वीर बन के अपनी जान छुड़ा लई नहीं तो तेन मैं मदा चखा दें अपने वाला खाउचियां करके तकन दा। तुहाडी बड़ी मेहरबानी होगी जे तुसी बुरा ना मनो तो मैं वीर बन के सिर ते प्यार नाल फेर ला। अवल ते असी किसी छोटी जात वाले नूं प्राण मन्ने नहीं, ते जे मन नहीं लिता है ते फिर असी तेन अपने सिर दे उत्ते हाथ रखन की इजाजत कदी नहीं देवांगे। जे मैं कहां के मेरी जात भी तुहाडे जिन्नी उची है ते फिर? जे तेरी जात साढ़े जिनी उची है तो फिर अपना शजरा दस दस तू कि वे खानदान का पुत्र है। वड्डा खानदान शजरा? आहो शजरा जड़ा तेरे को नहीं आना। देखे नूरी, जड़े दूसरे की जात नू अपनी जात कहते हैं साबित ना करके एवं शर्मिंदा आते ने जिमें यह होया खलोता है। चला चल। ओ दिन जरूर आएगा जिस दिन तेरी आखा मेरा ना अपने शजरे च वेखणगी। हाँ साहब, कर्जा वधदा ही जा रहे, साडी शान को नहीं वध सकदा। फसल जिवें पकदी है तन तेरी पाई पाई मिल जाएगी। हुण फिर फसल पकन तिकर मेरे को कुछ होर ना मंगना। और बड़े छोटे दिल का साहूकार है। की गल है भाई, कौन है तू, किस तरह है?
जान खान तेरे को जिन्ना कर्जा भी मंगे उन्हें देंदा जाए मैं तेरी रकम नहीं डुबण देंगा इसलिए कि तेरे इन कागजों का खरीदार मैं इन्होंने संभाल के रखी उसी मेरी इजाजत तो बगैर एडा वड्डा एडवांस जान नु क्यों दिता उसी आपे ते आख्या सी जनाब कि जान खान ही तुहाडा करता करता है ऐ वेखो ना जी दस्त ठीक है फसल तुहानू ही मिलेगी दस्त जान करे या मैं इन्हां ते अमल किया जाए बड़ी मेहरबानी जनाब बाबा जानी ये सब ताडे लाड प्यार ते आजादी देन दा नतीजा है लखां दे गबन दा कोई हिसाब ही नहीं देख लिया जी मिल जाएगा मैं लांगा हिसाब ओदे कोलों पापा जी सुनदे हो असि लुटे के बर्बाद हो गए की होया सेफ टूटी पई है मेरे ते अम्मी दे देवर कोई नहीं है देवर कोई नहीं है हिसाब की कमी है फिरोजा भाई हुण तक मैं 3 लाख रुपया दे चुका
जानी तुसी हाली तक जाग रहे हो? मैं ते तेरे प्यार विच सुत्ता ही पिया सा जान, पत्ती हन्नी जोर दी मारी है कि अखा खुल गई। मैं समझा नहीं बाबा जानी। फसलों के एडवांस लेके खांदा रहा, दो ट्रैक्टर दिया कीमत गुआंदा रहा। मैं अपने आप नु समझांदा रहा, पर अज ना मैं चुप रहूंगा ते ना अपने आप नु समझावांगा। मैं तेरे को पूछना कि बहन दे ताज दे जेवर किने बदन ते सजा के आया? ऐ बोलदा क्यों नहीं? बाबा जानी बोल, मां दे पंजी साल दे सामने जेवर किने कदमा दे सुटा है? खावा का खरीद आया बदमाश, जमीन खाली करवा रही। अच्छा ते बदमाश आ रहे? भाई मैं तो बड़ी कोशिश की थी सी, तू अमन ते इज्जत ना ले थो चला जा, पर तेनु इज्जत बचदी नहीं। लगता है तेनु शान गढ़ दे मिट्टी कटिया च रुल के जाना बहुत ही पसंद है। ओए पैर अगे वधाण तो पहलो मेरी एक गल सुन ले, साडी दुश्मनी दिया कि छाल ना मार। जे तू जिद्दी है ते मैं तेरे तो वड्डा जिद्दी आ। दुश्मनी दी सग विच अजे तप्या होया फौलाद या पानी वांगू तेरे पैरों विच टिकेगा, या फिर अग तेरे खून नाल बुझेगी। चुके अस्पताल ला चलो। ये पुलिस बीच कितों आ गई, जमीन हाथ भी चाह के निकल गई।
हूं तो जब तक हीरा वापस नहीं आता पुलिस तो जमीन से मुहाफिज बन के रहेगी। मैं तो कहना बेहोश हीरे अस्पताल में ही मरवा दईए। पुलिस के पैरे में एह जहा कोई कदम नहीं चुकया जा सकता बाबा जानी। तो फिर की बनेगा? फिलहाल तो पुलिस हम दोनों के होश में आने का इंतजार कर रही। नवी जिंदगी मुबारक होवे। जे तुहानू खून ना मिलदा ते तुहाडे दोवां दा बचना मुश्किल सी। तुहाडे दोवां दे खून दा ग्रुप एक है ते इस हस्पताल दे विच तुहाडे ग्रुप दा खून नहीं सी। तुहानू इस बुजुर्ग औरत दा मशकूर होना चाहिए जिन्हें अपना खून दिता सी। कितों तक मां कोलो नसेंगा? वेखला अखीर फड़ ले ना तेनू। वे जून जो गया हुन ते मां तेरे पीछे नस नस के थक गई है। वे हुन ते नसता मां अज तू भी ते चुभदा जंदरा खोल दे ना। हुन ते मैनू दस दे मेरा प्यो कौन है ते किथे वे? दस दे मां दस दे ना दस दे मां। नहीं ते मैं सारा कुछ तोड़ के तेरी अखां दे सामने जान दे आऊंगा। ओए बदबख्ता ओए बदबख्ता एक ही कर लगा से ओए अपनी इस मां बलते वेख। ओए हाली ते तू जूना है बस तू इन्हें दुख दिते ने अपनी मां नू के हंजू बन के इतनी अखा बिच पे चमकते ने। ओए मां की होंदी है इस साढ़े को पुछ जिन की मां एक कोई नहीं। और जे तू मर गया नलायका ते तेरी इस मां तक की बनेगा? ये नाला लाले अपने आप विच रहे। तू कौन होना साडे मां पुत्र दे प्यार च दखल देने वाला? ओए जिस तरह तू मेरी दुश्मनी जिसे तार पड़े है इसे तरह मैं तेरी मां दे प्यार जिसे तार पड़ना चाहना वा। मैनू चानू मार दे ओए पर इस मां नू कोई दुख ना देवी कोई दुख ना देवी। और एक ही गल है तेरी मां ने तेरे प्यो का पता ना दस के ते केड़े रास्ते पर्दा पाया होया। मैं तेनू सताना वा ना? बहुता ही सताना? मैनू बद्दुआ दे मां। अल्लाह करे मैनू उम्र कैद सजा हो जाए। मैं फांसी लग जावा न तेरे को लवांगा न तेनू सतावांगा मां न तेनू सतावांगा। गवाहों के बयानात और मुजरम के इकबाल जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम कानून को अपने हाथ में लेने और एक बेगुनाह इंसान को जख्मी करने के बाद सजा का मुस्तहिक है। लिहाजा अदालत इसे जेर दफा 307 ताजीरात पाकिस्तान 6 माह कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाती है।
जब तक तुहाडा पुत्र जेलों वापस नहीं आ जाता तुसी मैनू भी अपना पुत्र ही समझो। तू? मैं गैर जरूर हां माँ जी, पर खोरे मेरी रगा च भी खून इको जे ही दौड़ रहा है जिते तुसी मैनू नवी जिंदगी दिती है उत्थे मैनू खिदमत करन दा मौका दिओ माँ जी। खोरे क्यों तुहाडे पैरां च पिछे चाहण नू दिल करदा है? वे जून जो गया रो के कलेजा कट ले, मेरे वजूद का हिस्सा लगे है, पता नहीं क्यों दिल कहता है जो तेरी गल मान के तेरे नाल ना गई ते दिल दिया तड़कना बंद हो जाएगी। माँ जी सामने आ गया जब माँ जी शानगढ़ पुत्र, ऐसे मैं एक बारी पहले भी आ चुकी हूं। बड़ी महंगी चीज सी जिहड़ी इस पिंड के मालक ने मेरे को खो लीती सी। खान जान ही है ना इस पिंड का मालक। आहो मां जी, ते ओदी आन पान ते शान हाली भी उसे तरह चूर दे नेजे ते कायम है। मां जी इंशाल्लाह ताला मैं ना कोलो सब कुछ खोला। क्यों पुत्र, तू इन्हां दा ना वैरी क्यों है? इसलिए मां जी के ना जालमा ने तुहाडे वांगू मेरे कोलो भी मेरी बड़ी कीमती चैक खो लिती। ताना बन गई है। कल तक मैं तेरे नाल नोटां दी जबान नाल गल कीती है, ताकत दी जबान नाल गल कीती है, दुश्मन बन के तेनू हराण दी कोशिश कीती है, पर तू तू मेरी एक नहीं चलन दिती। अज मैं तेरे को एक बुजुर्ग दी हसीयत नाल गल करन आया, कुछ दे मेरी बुजुर्गी दा ख्याल कर ही रहा। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? नहीं नहीं ना, तो फिर मैं किवें तरस खा सकना वा? वीरे वाह वड्यो वाह, एक पलिच मोम एक पलिच पत्थर, ए मुनाफकत अपने दिल चो कट दे ओए। जो कुछ करना जे खुल के करो, मैं हर वेले तुहाडी अखां दे सामने जी। खान जी ए कादी मिठाई है? ए हीरे ने कली है खान जी, आज उन्हें फसल की कटाई शुरू करनी। कटाई कितने दिन च हो जाएगी? 15 दिन तक खान जी। 15 दिन बाद मैनु 15 आदमी चाहिए ने। वो कर ली सरकार, हीरे दी फसल नु अग ला के एक एक दाणा साड़ के सुआ कर दे। ओदी फसल चो जिन्ने उच्चे छोले निकलन गे
वाडे हिस्से दे नोटां दे ढेर उन्ने ही उच्चे करता जावांगा। जाओ पैरों से रुक जाओ। ओए ओए हीरिया तू, ओए मेरी फसल साड़न तो पहला खान शान खान दी फसल ते साड़ दे जाओ। ओए असी तेरी लाश तो लंघ के भी जावांगे। ओए लंघ सकते हो ते लंघ जाओ। असल मुजरिम तो मेरी तरबियत, मेरा प्यार, मेरा लाड है। सजा मैनू मिलनी चाहिए है, मैनू मौत मिलनी चाहिए है, मौत मिलनी चाहिए। खान बाबा अपने आप नु संभालो। खान बाबा जे अल्लाह न करे तानू कुछ हो गया ते खानम दी डोली कौन तोड़ेगा। तेरा पुत्र तू फिक्र ना कर, खानम दी डोली बड़ी शान और शौकत नाल विद्या की जाएगी। मैनू कर्जे का होर भार क्यों ना चुकना पै जाए। खान बाबा तू फिक्र न करती है। और की गल है नूरी, आज बड़ी खुश है। मेरी सहेली के दिन भी थे गए ने। केड़ी सहेली? खानम खान शान की पोतरी। फिर तो बड़ी खुशी की गल है नूरी, कदों है विआह उदा?
ओहो की पे करनी है सरे आमी कोई थोड़ी जी हद कर ले प्यार कीता ते डरना की ना क्या एक गल अपने राकेश दे सामने कह सकनी है अगर दुनिया दा हुंदा सोने शुरू करो खान जी बिस्मिल्लाह करो मौली साहब
जा मौलवी साहब। ये नकार नहीं हो सकता। हम तो साढ़े घर के मामला भी दखल देन लग पे। मैनू इस दखल अंदाजी तो कोई नहीं रोक सकता। खान साहब मैं तेनू गोली मार दियांगा। मैं मर जांगा खान साहब पर निकाह नहीं होन देंगा। एक कुड़ी की जिंदगी बर्बाद करके हम इस घर की धी की भी इज्जत बर्बाद करनी चाहना है। मैं नहीं होन देंगा। तेरे को ले की सबूत है? ये दा सबूत है मजलूम कुड़ी है खान साहब। खान साहब ये कुड़ी ये दे बच्चे की मां बनने वाली है। इन्हें ये ब्याह किया अज इन गरीबी का ताना मार के ते नवे ब्याह दी तैयारियां शुरू कर दी। बालता क्यों नहीं? ये तेरी पूरी नहीं। इन्हें की बोल रहा है? दबा गए तो तू साड़ी राज जाके चंगा नहीं किता ही जा। तेरी ये हरकत बड़ी महंगी पड़ेगी। इस तरह नहीं है। तेनू इस कुड़ी नू ना ले जाना पवेगा ते वसाना नहीं पवेगा। ये तू इनू नहीं वसाएगा ते मैं तेरे घर बर्बाद कर देगा। ना लेके जाए क्या पैना। ओए दुश्मना तू की है? कदी जख्म लाना है कदी जख्म लगन तो बचाना है। मेरी दुश्मनी तुहाडे नाल है खान साहब। भैणा वर्गी भैण खानम नाल नहीं। मैं किस तरह बर्दाश्त कर सकना वा ये मेरे जीवंदिया जी कोई बेगैरत मेरी भैन की जिंदगी बर्बाद कर जावे। जेड़ा काम मेरे खून नु करना चाहिए था वो दुश्मन कर रहे थे। काश मैं जान तक गला पैदा होते ही कुट देता। Yeah.
बोल शेरिया बोल। तेरे यार जान ने मेरी भैन की इज्जत वाला हाथ बधाया, मेरी भैन ने अपनी इज्जत बचाद बचाद जान दे दी, तेरा यार नहीं अपनी भैन के भरा का इंतकाम पड़ के आया, बाहर निकल तेरे हिसाब का दिन नहीं, जान से तो चला गया कुछ और कर। ओए की दसने सुन लो, आसान तेरी मां का हुक्म दे गई, ओए सब कसमाना दे उत्ते चला जाए, ये जमीन दे थले लुक जाए, मैं तुहाडे वर्गियां कंधा ढा के भी उत्ते तक पहुंच जावांगा। आओ Thank you.
अपनी मां समझ के इन्हें दिन खिदमत की थी, आज जो तेरे हाथ चुके, तेरे हाथ टूट क्यों ना गए, तू मर क्यों ना गया? मां मर गई तेरी मां। हीरिया तू खानू नु लेके जा, मैं देखनी आज तेरे हाथ चुकदा किवें। ए मरी मां चल लग के चल। बाबा जे अज हीरा ना होंदा ते पता नहीं की हो जांदा। तू दूजी बारी साडी इज्जत बचाई है। मैं तुहाडी इज्जत दा नहीं, तुहाडे गरूर दा दुश्मन हां। ते दुश्मनी हुण उदों ही मुक्केगी जदों तुहाडे गरूर दा शीशा टुट के मिट्टी च रुलेगा। रुलना किनू कहते ने यार, रुल तो गए। सलाम खान साहब। आओ जनाब। साडे पोतरे ने शेरे लवार से उदी भैन का खून किया। मैनू पता लग चुके है, एदी सजा उनू जरूर मिलनी चाहिए है जनाब। ओ मफरूर घर आवे ते सानू इतला करना अपना फर्ज समझना। कामो एक कागजात तुहाडे पोतरे दे कर्ज दे ने, मैं ना कागजात नू खरीद लिता, इसलिए मैनू मेरा कर्ज फौरन वापस चाहिए। रोशन की लग पे हो वड्यो, हाली तो ना सारे ने भी आना है जिन्हों को तुसी कर्ज ले रहे, वो नाल सूद भी मंगणगे। मैं तुहाडे कोलो सूद नहीं मंगांगा, मेरा तो सिर्फ असल ही वापस कर दो। कदों लैणा वा अमान, ये हवेली ते जमीन नीलाम करके हीरे दही नहीं सारे घर से ला दे। गाड़ी बड़ी बड़ी मेहरबानी बढ़ियो। असी रवांगे किथे? पुत्र हुण इस पिंड विच रह के करना भी की? मैं हुण इस पल नहीं रवांगी। मैं नहीं चाहती पिंड वाले मैनू वेख के आ के ओ माए जिसे पुत्र ने किसी ने इज्जत चुक ली। मैं तुहानू नहीं जान दियांगा। पर मेरी मां ते ट्रेन दे हादसे बच गई, समझी हुण जो गया। उस वेले आ डायरी मेरे नाल एक सफर करने वाली औरत दे हाथ विच सी। खान शान ने मैनू ही नीच जान के अपनी उची हवेली विचों ही नहीं मैनू मेरी कोठड़ी विचों भी कढ दित्ता सी। ते खान अमान मेरे ही सिर दा साईं है। ते मुस्तफा तेरा सका वीर है। मां मेरे
मां, जिस प्यो का आज तक मैं सिर्फ पता पूछता रहा, अज तेरे मुंह चो दा ना सुन के तेरे उत्ते होने वाले जुल्मां दे सारे खाते मेरी अखा दे सामने आ गए ने। अज मैं प्यो नाल मुलाकात भी करनी है ते ओदे कोलो हिसाब भी लेना है। नहीं यार, मेरे बिना नहीं, ना ही असा उना कोलो इस तरह हिसाब लेना है ते ना ही अपनी पछाण करानी है। जिस तरह उन्होंने साडी मां नू रोलिया, इस तरह उन्हें सारे नू रोलांगे। उन्हां दी झूठी शान शौकत खो के अपने तरह सुटांगे, फिर उन्होंने अपनी पछाण करावांगे। तू मैं बंदूक सुटते वीरा तो मेरे सीने नाल लग जाए यार। खान शान की हवेली ते जमीन वास्ते 10 लाख रुपया, 11 लाख रुपया, 12 लाख, 12.5 लाख, 30 लाख, 32 लाख, 32 लाख, 32 लाख, 1, 32 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 1। तुसी हो सको जनाब, तो बोली बहुत ज्यादा है, कीमत दे सकोगे? 50 लाख। ए कीमत ही कुछ नहीं, 50 लाख तो बोली करोड़ रुपए दी भी होई ते ला दिया। 50 लाख सुन लेते ही। 50 लाख, 1। 50 लाख, 50 लाख, 1। 50 लाख, 2। 50 लाख, 3। बोली तेरे नाम खत्म हो गई जवाना। हेलो खान साहब, मैं बयान की रकम जे बाकी दी शाम तो पहला पहला पहुंच जाएगी। कल हवेली खाली होनी चाहिए। नीवी गल हो गई होवे ते मैनु माफ कर देना, कुछ लेना देना भुल गया होवां ते बख्श देना। आओ बेटा। बेटा हैरान होके देखन दी कोई लोड़ नहीं बड़े हो, ए मेरी मां है। जदियां दुआवां ने मैनू फरश तो अरश ते लिया के खड़ा कर दिता है। सुमन बुकमन क्यों हो गए हो बुजुर्गो? मैनू देख के तुहाडे अंदर दे सा अंदर ते बाहर दे सा पार क्यों रह गए ने? ओ मैं भी इसे मां दा पुत्र हां, तुहाडी इतला लई आ रहा। ओए जे मां ना होंदी ते अज तुहाडे लाडले पोतरे जान दे गुनाहां दी सजा तुहानू बड़ी महंगी मिलदी। सजा होर किनू कहंदे ने यार, जिस हवेली ते आन बान दी इज्जत बचान दी खातिर असी किसी गरीब दियां मिन्नतां ते हाड़े नहीं सी सुने, अज ना वो हवेली रही ते ना वो शान। सब कुछ ते खो लिया है तुसी। खोया नहीं खान साहब, कीमत दे के खरीदया। ते दसया तानू के वक्त सीने ते खलो के कदी गरूर नहीं करना चाहिदा, बस कदी को जा नहीं रहंदा। कल मैं कली सा, आज मेरे नाल दोवे पुत्र ने। जेड़ी शान ते इज्जत इन्हां नू विरसे च मिलनी सी ओ इन्हां ने खरीद के अपने नाल ला ली। कल इस हवेली दे दरवाजे साडे ते बंद हो गए सन, आज जो सवेली दे बाद तुसी आप खलोते। हां साहब,
20 साल पहले कुछ नोट तुसी मेरे पैर सुट के कहा सी कि मैं नोट अपनी तलाक की कीमत समझ के चुक ला ते ताड़े पुत्र की जिंदगी चो निकल जा। खान साहब मैं हूं ताड़े पुत्र की कीमत लानी हाँ। की कीमत लाओगे मैनू मेरा स्वाद मोड़न दी। प्यू की जायदाद रुपए पैसे विरसा बना के अपने पुत्रों को मुंह मोड़न वाले आज जो सारी जायदाद तेरे इन्हों पुत्रों के ना ही अपने प्यू को मुंह मोड़ के इन्हों वाल आ जा। ये सारी जायदाद तेरे ना ला देंगे। बस कर साबरा बस कर दे। हाली ते दो ही गल्ला कीतियां ने शाना वाले हो ते ताड़े मथे ते पसीना आ गया। एक कसी गरीब हाँ जेड़े 20 साल तो ताड़े जुल्मां दी टीस अपने कलेजे ते सहंदे आ रहे हैं पर अजे तक जुबान नहीं खोली कि असी भी ताड़े जै वड्डियां दे कुछ लगने हैं। पर अज अपने पुत्रां लई प्यू दा नां ते उन्हां दा हक जरूर मंगांगी। शाना वालियो मेरे पुत्रां नूं पोतरा कह दिओ। दो लफ सुन लई मैं तुहानूं सब कुछ दे दांगी। हवेली दे दांगी जमीन दे दांगी सब कुछ ले लवो। रब दा वास्ता जे इन्हां नूं अपना खून मन के एक बारी अपने सीने नाल ला लवो सीने नाल ला लवो सीने साबरा हुण ते तेरे जीवन दे दिन आए ने पर ना ते असी है अवेक असी तेरे सामने हाथ बन के खलोते हैं। जे माफ कर सकनी है ते माफ कर दे जे सजा सुनाना चाहनी है ते सजा सुना दे। सानू सब कबूल है सब कबूल है। तू साडे कोलों अपने पुत्रां नूं पोतरा खवान दा हक मंगिया है ते असी तेरे सामने हाथ बन के इन्हां दा दादा खवान दा हक मंगने हां। बेटे की हो अगे बढ़ के दादे के सीने में लग जाओ जाओ जाओ। दादा दादा इन दोवों तुहाडे पोतरे जान ने मौत नाल मिलाना है। गोली मार सकते सा पर कुछ अपनी बेइज्जती का हिसाब लेना सी ते कुछ जान दे हुक्म दी तमील करनी सी। सुनो तुसी जान दे विरसे दी जायदाद दा सौदा कीता है ते असी जान नाल तुहाडे दिलां दा सौदा कीता है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਜਾਨ। ਨਹੀਂ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ
रब मेरे जिहा भी गरीब किसे नूं ना करे। सारी जिंदगी पैसे दे पिछे नसन वाले खान शान दे हिस्से विच की आया। इंस्पेक्टर साहब, जिस मुजरिम नूं फड़न लई तुहानूं बुलाया सी वे पिया जे, पर तुसी खाली हथ नहीं जाओगे। नवा मुजरिम हाजिर है जनाब, हथकड़ी ला लो। दादाजी, मेरे खुददार पुत्रो, मेरे सीने नाल लग जाओ। असी ते हुण उस हवेली विच कदी नहीं जाना। तुसी जाओ ते उथे जम जम शाना नाल रहो। जाओ।